नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म किसान क्रांति पर। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ निमाड़ के गांव विश्वनाथ खेड़ा में, जहाँ पर ग्रीन प्लैनेट के भूमि खाद और प्रीमियम का उपयोग किया है किसान ने, अंबाराम जी कोचक जिनका नाम है। तो विश्वनाथ खेड़ा में हम चलते हैं, तो आइए एक वीडियो के माध्यम से हम इनसे जुड़ चलते हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, और समझते हैं कैसे भूमि खाद का हम कपास, मिर्ची और सोयाबीन तथा लगभग सभी प्रकार की फसलों में उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे उसका उपयोग हम करें, कैसे उसको मिलाएं, जानते हैं। हम विश्वनाथ खेड़ा में आ चुके हैं और ये हमारे फार्मर हैं यहाँ पर, कोचक जी। देखिए आप किस प्रकार से ये इन्होंने जो सड़ा हुआ गोबर है, जो गाय भैंसों का हम गांव की भाषा में कहें तो उकलड़ी वगैरह में इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में जो सड़ जाता है वो करीबन 20 किलो आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद में पास में इन्होंने एक टब में भर के मिट्टी भी रख रखी है अंबाराम जी कोचक ने। ये बरगद के पेड़ की नीचे की या फिर पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी उपयोग करते हैं हम साधारणतः, क्योंकि वो जो रहती है वो पूर्णतः जैविक रहती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा और बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर नहीं तो फिर हम अपने खुद के खेत की मिट्टी भी 3-4 जगह से लेके करीबन 20 किलो ले सकते हैं और बारीक पीस लें उसको। उसके बाद जो हमारा भूमि खाद बचता है, जो 5 किलो और 12 किलो की पैकिंग में आता है, 4 किलो और 12 किलो की जो पैकिंग में आता है, उसको हम खोलकर इसके अंदर अच्छे से मिला देते हैं। और जनरली हम जो भूमि खाद रहता है वो 4 किलो पैकिंग लगभग हमारा 2 बीघा या सामान्यतः निमाड़ में एकड़ कहते हैं तो 1 एकड़ तक हम उपयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर हम प्रीमियम 1 लीटर मिला देंगे, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वो नरम मुलायम पोली होना चालू हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया और जो गिंडोला जिसको अलसिया भी कहते हैं कुछ लोग, केंचुआ जो प्राकृतिक हलवा है, उसकी मात्रा इससे बढ़ जाएगी और आपकी जो पौधे की जो वृद्धि है वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से किसान जो हैं कोचक जी इसको खाद को मिट्टी के अंदर मिला रहे हैं, दोनों खादों को मिक्स कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको इसको अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि ये, अब इन्होंने प्रीमियम 1 लीटर की जगह 0.5 लीटर ग्रो और 0.5 लीटर प्रीमियम का उपयोग किया है मेरे हिदायत के अनुसार, ताकि इनको ग्रो ऊपर से स्प्रे ना करना पड़े। अब किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा जहाँ तक संभव हो आपको दस्ताने पहनकर इसका मिक्सअप करना है, जिससे अच्छी तरीके से खाद मिट्टी में मिल भी जाए और आपके हाथ में कोई परेशानी ना हो। वैसे तो ये सारा जैविक उत्पाद है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो किसान से डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं। इनका शुभ नाम अंबाराम कोचक है तथा विश्वनाथ खेड़ा के निवासी हैं। इनका नंबर भी स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रहा होगा, आप डायरेक्ट जाकर किसान से मिल सकते हैं, इनके खेत पर चले जा सकते हैं और मुझे भी संपर्क कर सकते हैं सभी प्रकार की खाद दवाइयों को लेने के लिए। और लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारे ग्रीन प्लैनेट मिशन के जितने भी उत्पाद हैं वो सभी फसलों के लिए कॉमन है, अर्थात आपको अलग अलग उत्पाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके लिए बेहतरीन जानकारी में लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।